ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ। इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। जाट समाज का सबसे अधिक मतदाता है, लगभग 1 लाख से अधिक मतदाता है जाट समाज का। इस चुनाव में चुनाव प्रचार खत्म होने के द्वारा जाट समाज का मतदाता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आधे से अधिक भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, आधे से कम गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब भी यहाँ पर जो है गुटबाजी अब भी है, लेकिन अब यह है कि कुछ ही लोग गुटबाजी में हैं कि जिनका इतना महत्वपूर्ण वो नहीं है, लेकिन और सब जो लोग हैं यहाँ पर, जो बाहर के प्रभारी मंत्री हैं और जो आसपास के जो विधायक हैं, माठ से हैं, सादाबाद से हैं, RLD से जितने भी हैं, सभी कार्यकर्ता, मतलब जिले भर का कार्यकर्ता जो है वहाँ पर भाजपा का लगा हुआ है। 20 नवंबर को अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहाँ पर विधायक रहे और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे अनूप प्रधान हाथरस लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए, जिस वजह से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन से डॉक्टर चारूकेन और भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र दिलेर को उम्मीदवार बनाया गया है। ये सुरेंद्र दिलेर वही हैं जिनके दादा और पिताजी दोनों ही सांसद रहे हैं और तीसरी पीढ़ी इस बार चुनावी मैदान में है। कौन इस बार खैर के विधानसभा उपचुनाव में हावी है, किस पार्टी की जीत हो रही है, अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से जानते हैं कि उनका क्या मत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है जी। बताइए क्या लग रहा है खैर विधानसभा सीट का समीकरण वोटिंग से जस्ट पहले? वोटिंग से पहले जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। सीधे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चारूकेन मैदान में है और भाजपा ने अपने पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति को मैदान में उतारा है, सुरेंद्र दिलेर को। तो दोनों ही कैंडिडेट मजबूत हैं और दोनों ही अपने पक्ष में पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? RP शर्मा हूँ, प्रेस क्लब का महामंत्री अलीगढ़ से। क्या लग रहा है खैर विधानसभा उपचुनाव में? आप खैर विधानसभा के उपचुनाव में आज शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को जीतने के लिए कमर तोड़ मेहनत की है, पूरी तरह से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस से 4 बार सांसद रहे किशनलाल दिलेर जी के बेटे राजवीर दिलेर, स्वर्गीय राजवीर दिलेर, वो भी सांसद रहे थे, उनके पुत्र सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। पॉलिटिकल परिवार है, मजबूत परिवार है, उनको भाजपा ने उतारा। वहीं गठबंधन समाजवादी पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्र वधु चारू कैन को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनाव को जीतने के लिए जहां जोर लगा रही है, वहीं भाजपा और RLD गठबंधन भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी को जिताने के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। यहां पर महत्वपूर्ण जाट समाज का सबसे अधिक मतदाता है, लगभग 1 लाख से अधिक मतदाता है जाट समाज का। इस चुनाव में चुनाव प्रचार खत्म होने के द्वारा जाट समाज का मतदाता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आधे से अधिक भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, आधे से कम गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर बाईसी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता है खैर में, बाईसी ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण समाज का मतदाता पूर्व 4 बार की सांसद रही स्वर्गीय शीला गौतम जी का क्षेत्र बोलते थे इसे, वो 4 बार सांसद रही थी यहाँ से। शीला गौतम जी के जो भक्त हैं ब्राह्मण मतदाता, वह भी भाजपा के पक्ष में जाते हुए बाईसी नज़र आ रही है और लगभग 50% उम्मीद है मतदान होने की, जिसमें से 2 लाख के करीब वोट पड़ेंगे। 4 लाख टोटल मतदाता है, जिसमें से 1,25,000 से अधिक भाजपा नज़र आ रही है और 75,000 में अन्य सभी पार्टी सिमटती दिख रही हैं। पूरा आंकड़ा आपने लगा दिया, तो मतलब जो इतनी मेहनत समाजवादी पार्टी कर रही है और जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस प्रकार से भाजपा हारी है वहाँ से, उसके बावजूद भी आपने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया? भाजपा हारी है, भाजपा के लोगों ने ही वहाँ पर मेहनत की थी हराने में मेहनत की थी। सुरेंद्र दिलेर को भी तो हराने में कुछ भाजपा के मेहनत कर रहे हैं जो बता, ये बात सही है गलत है? सुरेंद्र दिलेर को जिन्होंने भाजपा को पहले हराने में मेहनत की थी, वो सुरेंद्र दिलेर को जिताने में मेहनत कर रहे हैं। वहीं ये सीट को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने प्रतिष्ठा का विषय मानते हुए जो टिकट दिया है, उस क्षेत्र के ठाकुर मतदाता पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। इसके साथ ब्राह्मण मतदाता भाजपा के पक्ष में, मल्ला मतदाता भाजपा। इसमें एक चौंकाने वाली चीज़ निकल कर आई है, खेर क्षेत्र में मुस्लिम समाज का जो मतदाता है, कुछ मुस्लिम समाज के भी ठोक करके भाजपा के पक्ष में मतदाता जाते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। इन्होंने तो समीकरण बता दिया, इन्होंने जिता दिया भाजपा को। देखिए ऐसा है, उपचुनाव ज़्यादातर देखा जाता है तो सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। अब जीत और हार का तो यह है कि 23 तारीख को ये परिणाम आएंगे तभी पता लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सुरेंद्र दिलेर को जिसको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, उनका पूरा परिवार जो है, उनका राजनीतिक जो इतिहास रहा है बड़ा साफ सुथरा रहा है। वो किशनलाल दिलेर जो थे 5 बार कोल विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे विधायक का, 4 बार हाथरस से सांसद रहे हैं। उसके बाद उनके पुत्र राजवीर दिलेर जो है इंगलास विधानसभा से अपने पिता की छवि पर ही जीते थे,
फिर उसके बाद जब वो लोकसभा हाथरस लड़े, उसके बाद इस चुनाव के बाद वो लोकसभा चुनाव के बाद स्वर्गीय हो गए। तो किशनलाल दलेर परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण लोगों के अंदर जो है जो छवि है बहुत अच्छी है कि क्या व्यवहारिक छवि है। दूसरा ये है कि असली बात यह है कि भाजपा में पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो पार्टी प्रत्याशी से अदावत थी, जाटों की अदावत थी, इस वजह से अनुप्रधान से जो लोकसभा चुनाव हुआ, अच्छा लोकसभा, लोकसभा चुनाव में जो भाजपा हारी है क्यों, अनुप तो जीते थे है ना, जो हारी है तो उसमें भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी थे सतीश गौतम, उनसे अदावत थी जाटों की, तो इस वजह से यहाँ से मतलब अब की बार वो हारे थे। लेकिन अब ऐसा है कि अब भी यहाँ पर जो है गुटबाजी अब भी है, लेकिन अब ये है कि कुछ ही लोग गुटबाजी में हैं कि जिनका इतना महत्वपूर्ण वो नहीं है, लेकिन और सब जो लोग हैं यहाँ पर जो बाहर के प्रभारी मंत्री हैं और जो आसपास के जो विधायक हैं, माठ से हैं, सादाबाद से हैं, आरएलडी से जितने भी हैं, सभी कार्यकर्ता मतलब जिले भर का कार्यकर्ता जो है वहाँ पर भाजपा का लगा हुआ है, वो निश्चित है कि जाए। और सबसे बड़ा समीकरण ये है कि यहाँ पर उसका सपा का परंपरागत वोट नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोट के ऊपर लड़ रही है। अगर पीडीए में अगर थोड़ा सफल होती है सपा तो सीधी टक्कर है, सपा अगर पीडीए में सफल हो जाती है तो बिल्कुल इनके बीच सीधी टक्कर है। लेकिन अभी क्या है कि भाजपा का पल्ला इसलिए भारी लग रहा है कि जैसे कि जाट मतदाता हैं और ब्राह्मण मतदाता हैं, बैस मतदाता हैं, तो ये खुलकर सीधा सा है कि भाजपा में। दूसरा योगी जी का जो है कि बटोगे तो कटोगे का सीधा आह्वान एकजुट करने का है, तो इसका भी कुछ असर पड़ता नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू खान है। खैर में गए आप, इधर उधर घूमे, बाज़ारों में घूमे, क्या समीकरण नज़र आ रहा है दोनों पार्टियों में जो वन ऑन वन फाइट है? अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं, ये बात एकदम सही और साफ है कि खैर विधानसभा सीट पर बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, मतलब प्रत्याशी हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ रही है, मतलब कि फाइट में बिल्कुल नहीं है। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर क्षेत्र की जनता सभी का ये मानना है कि खैर विधानसभा सीट पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी वर्सेस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर चारू खेन के बीच में। जी बताएं, यहाँ पर ये चुनाव जो इस टाइम जो हो रहा है बीजेपी और सपा में चल रहा है, ये दो कैंडिडेट और हैं भाजपा से और चंद्रशेखर आज़ादी पार्टी से, लेकिन इनकी तरफ जो कैंडिडेट एक भी को जाता हुआ प्रत्याशी नहीं, तो जो जनता रुझान नहीं है, लेकिन चुनाव दो पक्षों में चल रहा है इस वक्त, एनडीए और इंडिया में। लेकिन अब जो चुनाव के बाद जो चल रही है, जो 4 लाख तकरीबन मतदाता है यहाँ पर चुनाव जो चुनेगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री दो बार आना जो हो रहा है, दो बार इस बार सभा में संबोधित किया उन्होंने, देखा गया है, तो लग रहा है समाजवादी कहीं ना कहीं इन पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। अभी लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने तमाम जो जीत हासिल की है, और यही अभी लोकसभा चुनाव में चौधरी विजेंद्र सिंह को इसी क्षेत्र से ही जीत हासिल मिली थी, लेकिन वो हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है, जनता ये चाह रही है जिस तरीके सुरेंद्र दलेर को उतारा गया है बीजेपी की सत्ता होने के बाद, लोगों का ये कहना कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, लोगों ने ये देखा जाम से जूझ रहे हैं, लोगों की तमाम समस्या जमीन स्तर की रही हैं, पानी जाम लोगों जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना कि बीजेपी है, सुरेंद्र दलेर की छवि जो साफ सुथरी है दादा से लेकर पिताजी तक लेकर, लेकिन लोग ये चाह रहे हैं जब सत्ता में सब कुछ होते होते अब सत्ता में सरकार है लेकिन तब भी कोई विकास नहीं हो पाया, अब आगे क्या होगा, लोगों का बदलाव देखने मिलने जा रहा है इसमें। ये अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार रैपिड फायर में इनसे जानते हैं सिर्फ हार जीत पर कि सीट किसकी तरफ जाती हुई नजर दे रही है, बीजेपी या सपा गठबंधन? मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो बीजेपी का ही जो है पल्ला भारी दिखाई देता है। क्या लग रहा है, बीजेपी सपा गठबंधन? बीजेपी का ही पल्ला भारी है, बीजेपी ही जीतने वाली है। बीजेपी सपा गठबंधन? भाजपा। बीजेपी सपा गठबंधन? सपा। अपना मत है, अपनी राय है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई इलेक्शन कवर कर चुके हैं, बाई इलेक्शन सत्ता का होता है ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन खैर विधानसभा सीट पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को हफ्ते में दो बार आकर जनसभा को संबोधित करना पड़ा है, दूसरी जनसभा खास तौर से जाट बाहुल इलाके में थी, वो जाट मतदाता जो अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर डिसाइडेड फैक्टर है, सबसे ज़्यादा वोट जाटों के हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा था उस विधानसभा सीट पर, इसलिए भाजपा ने अधिक जोर वहाँ पर लगाया है। अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी ये सुनने में आया है कि कुछ पार्टी के ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं और अंदरूनी गुटबाजी भी चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव पीडीए वाले फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से 37 सीट लोकसभा में लेकर आए हैं उसके परिणाम आने के बाद वो हतोत्साहित हैं, उनको लगता है कि जो छोटी जातियाँ हैं वो उनके साथ आएंगी तो नतीजा कुछ और होगा। एक बात ये भी तय है कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव खैर में लड़ रहा है, ऐसा कभी चुनाव उन्होंने वहाँ पर लड़ा भी नहीं है, परिणाम 23 को आएंगे।
चुनाव मजेदार और जोरदार है। देखते हैं वोटिंग प्रतिशत कितना होता है, जिस सुनिश्चित उसी के आधार पर होगी। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।